गजा में कयामत खेज दिन। इसराइल की खान यूनिस, रफा और नसीरात में वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में 700 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की कुल तादाद 16,000 से बढ़ गई। अलकसाम ब्रिगेड का तगड़ा जवाब, इसराइली कैंप धमाके से उड़ा दिया। कर्नल और मेजर समेत 5 फौजियों के हलाक होने की तस्दीक। भारत मुंह देखता रह गया। पाकिस्तान यूनेस्को के 6 रुकनी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का रुकन मुंतखब। वाइस चेयरमैनशिप की दौड़ में भी इंडिया को मात दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने बड़ी सिफारती कामयाबी करार देते हुए कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिशें नाकाम हुई। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा इमरान इस्माइल ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी की बी टीम करार दे दिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध की बरतरफी का मुतालबा, का हमने किसी लाडले को खातर में नहीं लाना। और कैंगरू से दो दो हाथ करने के लिए शाहीनों की तैयारियां। कैनबरा में प्रैक्टिस सेशन, इंडोर पिचेस पर बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। शाहीन आफरीदी अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुराजम, कहते हैं कोशिश होगी। डेविड वार्नर को आखिरी टेस्ट सीरीज यादगार ना बनाने दें।